आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय का डिजिटल शुभारंभ किया गया। खरगोन सांसद गजेंद्र पटेल द्वारा इस कार्यक्रम में संबोधित करते हुए जवान फिसली, महान पुरुषों के साथ मुख्यमंत्री की भी महान पुरुषों में संबोधित किया। कुछ क्षणों के लिए पूरे पंडाल में लोग एकदम चुप हो गए। भील की क्रांति सूर्य टंट्या भील की, हमारे गौरव भीमा नायक की, हमारे क्रांति सूर्य टंट्या भील की, आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी की। एक और भाजपा के जिला अध्यक्ष राजेंद्र राठौड़ मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के कार्यक्रम में पूरी तरह नजरअंदाज रहे। इसी को लेकर पूरे कार्यक्रम में चर्चा का विषय बना रहा, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री खरगोन आए हैं और खरगोन के भाजपा के जिला अध्यक्ष इस कार्यक्रम में नजर नहीं आ रहे। इससे ऐसा लग रहा था कि खरगोन जिले में भाजपा की गुटबाजी चरम पर है। मुख्यमंत्री जब भी किसी जिले में जाएंगे तो पूरे कार्यक्रम की बागडोर जिला अध्यक्ष की रहती है, पर यहां पर जिला अध्यक्ष को इस कार्यक्रम से दूर रखकर पूरे कार्यक्रम की बागडोर सांसद गजेंद्र पटेल ने अपने हाथों में ले रखी थी। खरगोन में कार्यकर्ताओं में चर्चा का विषय यह है कि जिलाध्यक्ष को नहीं पूछा गया और पूरे कार्यक्रम की बागडोर सांसद ने अपने हाथों में ले रखी है। इससे ऐसा लगता है कि खरगोन में बीजेपी गुटों में बटी हुई नजर आई। खरगोन से भारत पटेल की रिपोर्ट। ओंकार महाराज की धरती, जिनकी अपनी आभा आज से लगभग 1000 साल पहले शंकराचार्य जी महाराज ने गाई है, ऐसी मां रेवा नर्मदा के किनारे वाला ये बेल्ट, और इस बेल्ट पे परमात्मा की जब दृष्टि पड़ती है तो वो अलग ढंग से निकल के आता है। और निमाड़ तो वो वीरों की धरती है, महावीरों की धरती है, बाजीराव पेशवा की धरती है, जिनने तलवार से जो युद्ध का माहौल बनाया, दुनिया आज भी आश्चर्यचकित है इस बात के लिए। मैं आपके इस क्षेत्र के अंदर काले जीवन के समय से आता रहा हूं, जब ये पुराने जमाने में विक्रम विश्वविद्यालय का क्षेत्र का हिस्सा माना जाता था, और ऐसे ही आपके जैसे कई सारे गरीब विद्यार्थी की तरह मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा, सरकारी कॉलेज में पढ़ा। यह दर्द मैं जानता हूं कि कॉलेज और विश्वविद्यालय हमारे से दूर होता तो तकलीफ क्या होती है। मैं आज के इस अवसर पर जब ये सौगात दे रहा हूं तो मेरी आंखों के सामने और आपके आंखों के सामने भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का चेहरा आ रहा होगा, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। जोरदार तालियां बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। कितनी कठिन परिस्थिति से निकल करके एक व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचता है, और जैसे उनके जीवन में कष्ट आए, परेशानी आए, और कोई परेशानी को से डरे बिना जिन्होंने अपनी पहचान बना करके पूरे भारत को अपना परिवार के रूप में परिवर्तित कर दिया, ऐसे नेता के लिए हमारा लोकतंत्र धन्य है। हम सब उनका धन्यवाद अदा करते हैं।